खबर गाजियाबाद से, किसानों को आंदोलन को लेकर किसानों और पुलिस के बीच यहां नोकझोंक हुई है। NH9 पर किसानों और पुलिस के बीच बहस, हाईवे पर कई गाड़ियां खड़ी करना चाहते थे किसान। इस दौरान SP सिटी अभिषेक वर्मा के पैर से टकराई गाड़ी, पुलिस ने हाईवे पर गाड़ी लगाने से रोका। गाजियाबाद नेशनल हाईवे 9 पर किसान और पुलिस के बीच नोकझोंक सामने आई है। किसान कई गाड़ियां नेशनल हाईवे 9 पर खड़ी करना चाहते थे और इसी दौरान SP सिटी अभिषेक वर्मा के पैर से टकराई एक गाड़ी। गाड़ियों पर हो रहा है मुकदमा दर्ज। किसानों को पुलिस ने नेशनल हाईवे 9 पर गाड़ी लाने से रोका। तो चलती फिरती ये सड़क जहां पर अच्छी खासी तादाद में दिल्ली से गाजियाबाद, गाजियाबाद से दिल्ली के लिए सफर तय करते हैं लोग, रोजाना का सफर। लेकिन यहां पर किसान अपनी गाड़ियां लगाना चाहते थे और यहां पर पुलिस ने मनाही की और उसके बाद SP सिटी अभिषेक वर्मा पर दरअसल उनसे गाड़ी टकरा गई और उसके बाद ये बवाल बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि पुलिस ने समझाने की कोशिश की कि चलती हुई सड़क है, हजारों लाखों की तादाद में रोजाना लोग यहां से सफर करते हैं दिल्ली NCR के लिए, और ऐसे में अगर इस तरीके से अवरोध प्रकट किया जाएगा तो मुश्किलात होगी। लेकिन किसान यहां नहीं माने। किसानों का कहना है कि बार बार वार्तालाप विफल हो रहा है और सरकार पर प्रेशर बनाना ये एक बड़ी रणनीति है उनकी, ताकि उनके हक में जो फैसला है, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी हो सकें।